हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हमारा ड्रामा टीम का नाम तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन तो आज हमारे आसनसोल आजाद संघ क्लब में एक सुंदर सी नाटिका प्रस्तुत होने वाली है। अरे अरे वाह, ये मेरे गोपीनाथ के लिए कितने सुंदर फूल है। ये फूल वाले भैया, इस फूल का कितना मूल लगाओगे? इसका 5 रुपया। हाँ, ये मेरे गोपीनाथ के लिए बहुत सुंदर लगेगा, ये मुझे दे दो। अरे भैया, ये फूल कितने के दे रहे हैं आप? मैंने इन्हें 5 रुपये में बेच दिया है। ये फूल मुझे चाहिए, ये फूल मेरी राजा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप बताइए कितने में देंगे? मैंने उन्हें 5 रुपये में बेच दिया है। आप मुझे इसे 10 रुपये में दे दीजिए, मैं इस फूल का आपको 10 रुपये दूंगा। ये 10 देंगे तो मैं 20 दूंगा। अगर ये पंडित जी इस फूल का 20 देंगे तो मैं इसका 50 रुपये दूंगा। मैं 100 दूंगा। अगर इस पंडित जी ये फूल का 100 रुपये देंगे तो मैं इस फूल का 500 रुपये दूंगा। आप बताइए आप मुझे देना चाहते हैं कि नहीं? मैं 1000 दूंगा। ये फूल मेरे राजा के लिए बना है, मैं इसके लिए सिर्फ 5000 रुपये दूंगा, क्या आप मुझे देंगे कि नहीं? नहीं, ये मेरे गोपीनाथ जी के लिए बना है। नहीं, ये फूल मेरे राजा के लिए बना है, मैं इसे राजा के लिए ही लेके जाऊंगा। मैं इसे 5000 दूंगा। मैं इस फूल का 10000 रुपये दूंगा, आपको देना है कि नहीं, जल्दी बताइए आप। मैं 20000 दूंगा। मैं इस फूल का 50000 रुपये दूंगा, सिर्फ एक पुष्प के मैं 50000 रुपये दूंगा, ये मेरे राजा के लिए ही बना है, आप दीजिए मुझे। आपके राजा से भी हमारे राजा, आपके राजा एक प्रजा, एक एक राजा, एक प्रजा के राजा हैं, हमारे पूरा समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं हमारे गोपीनाथ जी। आप बताइए आप मुझे ये पुष्प देंगे कि नहीं? मैं इसका 1,00,000 रुपये दूंगा। मैं इस पुष्प के लिए 2,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। मैं 3,00,000 दूंगा। मैं इस पुष्प के लिए 4,00,000 दूंगा। मैं 5,00,000 दूंगा। नहीं नहीं, 5,00,000 नहीं दे सकता मैं, मुझे राजा एक पुष्प के लिए 5,00,000 दूंगा तो फिर मुझे राजा मतलब मेरे पोस्ट से ही मुझे भगा देगा। तो आप काम करिए, पंडित जी को ये पुष्प दे दीजिए 5,00,000 रुपये में। पैसा दीजिए। अरे फूल वाले भैया, मेरे पास तो 5,00,000 रुपये नहीं है। मैंने तो ताऊ में आके बोल दिया। मैं नहीं जानता, आप मुझे 5,00,000 रुपये दीजिए। नहीं, कहाँ से दे दूँ, आप गोपीनाथ जी के लिए दे दीजिए 5 रुपये में ही। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं अपना घर गिरवी रख के ले लेता हूँ। दे दो। हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, ये फूल मैंने आपके लिए लाया है, मैं इसे आपको समर्पण करता हूँ। गोपीनाथ जी क्यों मुंडी नीचे किए हुए हैं? हमारे गोपीनाथ जी यहाँ से मुंडी नीचे करके क्यों खड़े हैं? भगवान आप बताइए, आप ऐसे करके क्यों खड़े हुए हैं? मेरा भक्त इतना प्रेम से मुझे फूल चढ़ाया है तो मैं वही निहार रहा हूँ। अच्छा, भगवान के भक्त ने इतना प्रेम से फूल चढ़ाए कि भगवान का सिर नीचे हो गया है। उस भक्त के लिए हम लोगों को चंदा कलेक्ट करना होगा, और उस भक्त का जो 5,00,000 रुपये में पूरा घर गिरवी हो गया है एक पुष्प के लिए, हम लोगों को उस भक्त को दोबारा उसका घर वापस दिलाना है कैसे भी करके। आज हम लोग सबको मिलते हैं और इस पूरे प्रजा में घूम कर चंदा कलेक्ट करके और उस भक्त को दोबारा उसका घर वापस करवाने के लिए और हमारे भगवान की सेवा में उनके अच्छे से करने के लिए कलेक्ट करते हैं। चलो सबको मिल के हम लोग चंदा कलेक्ट करते हैं। भगवान के भक्त के लिए थोड़ा चंदा दीजिए, उनके घर को वापस दिलाना है। है भक्त शिरोमणि, आपने अभी एक भक्त से उनका पूरा घर ले लिया एक पुष्प के लिए, उस वजह से हमारे भगवान ने अपना सर नीचे कर लिया उनके पुष्प को देखते हुए। कृपया करके आप ये पैसे ले लीजिए, उनका घर वापस कर दीजिए कि हम लोग उस भक्त को घर वापस कर पाए ताकि भगवान हमारे ऊपर देख पाए अच्छे से।
भक्त श्रोमणी आप सुनिए प्लीज, आपने भगवान की सेवा के लिए अपना पूरा घर दान कर दिया भगवान की सेवा के लिए, उस कारण से हमारे भगवान ने अपना सर नीचे कर लिया है आपके पुष्प को निहारते हुए। कृपया करके आप अपना घर वापस लीजिए ताकि हमारे भगवान दोबारा ऊपर देख सकें। गोपीनाथ जी ने मेरे लिए सिर नीचे किया? जी प्रभु। मेरे पुष्प के लिए सिर नीचे किया? जी प्रभु। गोपीनाथ चलिए, हे गोपीनाथ आपने सिर नीचे किया, ऐसा ना करें प्रभु, ऐसा ना करें प्रभु, सिर वापस उठो पर उठा ले। गोपीनाथ जी की जय, गोपीनाथ जी की जय। Gopinath, 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 Gopinath,